जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं माँ कालरात्रि की। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है और तीन नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंडकी माला धारण करती हैं। ये गर्दभ अर्थात गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम के उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। चलिए आज जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था, जो मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उससे शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया, इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ और हलवा का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मुराद पूरी करती हैं। जय माता दी।